क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लिमिटेशंस होनी चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए? क्या ऐसे कोई मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और इसी वजह से रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की? और कौन डिसाइड करता है कि ये मुद्दे कौन से होते हैं? और फ्रांस में रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। सैमुअल पैटी एक हिस्ट्री टीचर थे पेरिस के पास एक स्कूल में, और अपनी क्लास में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। अपनी क्लास के दौरान उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की कुछ कार्टून्स दिखाई थी। अब इस्लाम के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद को विजुलाइज नहीं किया जाना चाहिए, और इसी वजह से एक 18 साल के रशियन इमिग्रेंट ने सैमुअल की हत्या कर दी। उस इमिग्रेंट को पुलिस ने इमिजिनली मार दिया। और करीब 2 हफ्ते बाद इस इंसिडेंट के फ्रांस के शहर नीस में एक और इंसिडेंट हुआ, जहाँ 3 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से फ्रांस में टेंशन बहुत बढ़ गई। और फ्रांस के पोलिटिकल लीडर्स ने सैमुअल पैटी को सपोर्ट दिया और उनको एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंच सेक्युलरिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुलाया। टू अटैक अ टीचर इज टू अटैक ऑल फ्रेंच सिटीजंस एंड फ्रीडम, फ्रेंच नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट ने ये कहा। और फ्रांस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही यूनिक है। उस देश में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है, यानी कि उधर कोई भी ब्लास्फेमी के लॉज नहीं है। आप किसी के रिलीजन को ऑफेंड भी कर सकते हैं, और इसीलिए फ्रेंच पॉलिटिकल लीडर्स का मानना है कि ना ही ये वायलेंस कंडेम होना चाहिए, पर उन्होंने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करने की भी कोशिश करी और कहा कि फ्रांस में इस राइट टू ऑफेंड को वो मेंटेन रखेंगे। कई लोगों और देशों ने फ्रांस में वायलेंस को कंडेम किया है, और हमें इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए। चाहे किसी के कोई भी रिलीजियस बिलीव्स हों, उसका जवाब वायलेंस से नहीं देना चाहिए किसी को भी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक किताब का जवाब किताब से ही देना चाहिए। पर फ्रेंच गवर्नमेंट का डिसीजन कि वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट देते रहेंगे, कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने उसको क्रिटिसाइज किया है, इन पर्टिकुलर मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के सपोर्ट में। पर इंडिया के सपोर्ट के बावजूद हमें ये भी समझना चाहिए कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रेंच सेक्युलरिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, पर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ताकि हमारे देश में सोशल टेंशंस या वायलेंस ना क्रिएट हो। आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से ऑल सिटीजंस हैव द राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, पर आर्टिकल 19(2) में ये भी लिखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस राइट। अब आप में से कई लोग शायद ये बोलेंगे कि फ्रांस सही है अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट देने के लिए, और राइट टू ऑफेंड सबकी राइट होनी चाहिए। पर कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी सही है, हर चीज़ पर कमेंट करना ज़रूरी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे सोशल टेंशन हो सकती है। पर ये समझने के लिए हमें और बारीकी से समझना होगा कि फ्रेंच सेक्युलरिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के खिलाफ पार्शियल नहीं हो सकती। यानी कि उदाहरण के तौर पे, अगर वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को हायर कर रहे हैं तो वो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, उनको बस उनकी कैपेबिलिटी को देखकर हायर करना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में एक पूरी सेपरेशन है। इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया में कई रिलीजियस इवेंट्स अटेंड करते हुए दिखते हैं, और आप ये मत सोचिए कि ये बस इस गवर्नमेंट के साथ ही स्टार्ट हुआ है। ऑलमोस्ट सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स किसी ना किसी रिलीजियस इवेंट को अटेंड करते हुए दिखे ही हैं। फ्रेंच सेक्युलरिज्म का पर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ले सिटे यानी कि फ्रेंच सेक्युलरिज्म को एक लॉ में बनाया गया था 1905 में, जिसकी वजह से एक कंप्लीट सेपरेशन है फ्रांस की गवर्नमेंट के बीच और रिलीजन के बीच। इस लॉ की वजह से वो कैथोलिक चर्च को रिजेक्ट करना चाहते थे, जिसने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला था फ्रांस की पॉलिटिक्स पर। जैसे फ्रेंच सेंसस लोगों को रेस या फिर रिलीजन के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं करता, और इसी वजह से आपको एक फ्रेंच पॉलिटिशियन किसी भी रिलीजियस इवेंट को अटेंड करते हुए नहीं दिखेगा। पर ये फर्स्ट फीचर है। सेकेंड फीचर ये भी है फ्रेंच सेक्युलरिज्म का कि वो लोगों की पब्लिक लाइव्स को रेगुलेट कर सकते हैं, और इसी वजह से फ्रेंच सेक्युलरिज्म इंडियन वर्जन से ही नहीं बल्कि US और UK वर्जन से भी अलग है। जहां अमेरिका में सेक्युलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर ना करे, फ्रांस में रिलीजन को पब्लिक स्पेसेस से भी हटाया जाता है। और इसी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट ने 2004 में सारे ही रिलीजियस सिंबल्स और क्लोथिंग को बैन कर दिया था, और 2011 से इस्लामिक फेस कवरिंग, जिसको निकाब बोला जाता है, उसको भी पब्लिक स्पेसेस से बैन कर दिया था। कई फ्रांस के मेयर्स ने बुरकिनी को भी बैन कर दिया था, जो एक स्विमवेयर है जो कई मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था जब फोटोज लीक हुई थी
जहाँ फ्रेंच पुलिस एक महिला को अपनी बुरकिनी हटाने के लिए कह रही थी, और फ्रांस में सिख लोगों को भी अपने टर्बन्स हटाने के लिए कहा जाता है नेशनल आईडी फोटोज के लिए। चाहे हम में से कई लोग इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ हो, पर कई फ्रांस की पब्लिक इनको सपोर्ट देती है, और उसका एक कारण है कि उनमें से ज्यादातर लोग एथिस्ट हैं। 2050 में फ्रांस में एथिस्ट सबसे बड़ी कैटेगरी के लोग होंगे। एक सर्वे के हिसाब से 2/3 फ्रेंच लोग हिजाब या फिर बुरकिनी के खिलाफ हैं। पर जहाँ की फ्रांस की एथिस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, उनका क्लैश हो रहा है उन इमिग्रेंट से जो कई फ्रांकोफोन कंट्रीज से इमिग्रेट हो रहे हैं। फ्रांकोफोन वो कंट्रीज हैं जो अफ्रीका में पाई जाती है, या फ्रेंच मेन लैंग्वेज है। कई लोगों का मानना है कि ऐसा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म यहाँ पब्लिक स्पेसेस पर भी एक गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कि लोग कैसे दिखते हैं या फिर क्या पहनते हैं, वो एप्लीकेबल था जब फ्रांस एक प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री थी। पर आज जब फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत डिवर्स है, 10% फ्रांस की पॉपुलेशन अब मुस्लिम है, तो इस चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। और रिसर्चर्स के हिसाब से ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म सोशल डिविजन्स भी क्रिएट कर सकता है। जैसे दो रिसर्चर मैकैंस और मैसेरोल ने बताया है कि फ्रांस का सेक्युलरिज्म लाइसिटे फ्रेंच और बेल्जियन मुस्लिम्स को उनके नेशनल कल्चर से एलिनेट कर सकता है और उनको रेडिकलाइज भी कर सकता है। और ये फ्रांस का एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म उनके एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कंबाइन करता है, और इस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का उदाहरण है चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो एक वीकली सटायरिकल मैगजीन है जो एक फ्रेंच ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है कि वो किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ पोस्ट करते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर पॉलिटिकल। उनका पहला इंटरनेशनल स्कैंडल क्रिएट हुआ था 2006 में, जब उन्होंने 12 ऐसी कार्टून्स रीपब्लिश करी थी जो 2003 में एक डेनिश न्यूज़पेपर ने पब्लिश करी थी। उन्होंने ऐसी ही कई और कॉन्ट्रोवर्शियल कार्टून्स पब्लिश करी, जिसकी वजह से 2015 में उनके ऑफिस को टेररिस्ट ने अटैक किया और 12 लोगों की मृत्यु हो गई। इस अटैक के बावजूद चार्ली हेब्डो ने अपनी कार्टून्स को चेंज नहीं किया, और वो रीपब्लिश करते रहे और भी कॉन्ट्रोवर्शियल कार्टून्स, जो उनके एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ कमिटमेंट को दिखाता है। और चार्ली हेब्डो का स्टाइल बहुत यूनिक इसलिए भी है क्योंकि वो सटायर को यूज करते हैं, जिसका एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है फ्रांस में। रिलीजियस अथॉरिटी का मजाक उड़ाना हम फ्रेंच हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। जैसे ये 1754 की कार्टून ये दिखा रही है कि कैसे क्रिश्चियन क्लर्जी मैन करप्शन की वजह से मोटा हो गया है। पर इस एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेकुलरिज्म के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई है। जैसे इसके बावजूद कि चार्ली हेब्डो ने कई रिलीजन्स का मजाक बनाया, कई लोगों के हिसाब से अभी वो इस्लाम के अगेंस्ट कुछ हद तक बायस रहा है। जैसे रिसेंटली उन्होंने अपने कार्टूनिस्ट को फायर कर दिया था जब उन्होंने जूस के खिलाफ एक कार्टून के लिए अपॉलोजी देने से मना कर दिया था, जो कुछ लोगों के हिसाब से चार्ली हेब्डो का बायस दिखाता है। फिर 2018 में उन्होंने एक दूसरा कवर दिखाया था एक 19 साल की मुस्लिम कॉलेज स्टूडेंट का, जो फ्रेंच टेलीविजन पर आई थी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में एक हेडस्कार्फ पहने में। इसके बावजूद कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस्लाम के बारे में नहीं थी और वो स्टूडेंट एक बड़ी पब्लिक फिगर भी नहीं थी, चार्ली हेब्डो ने उस स्टूडेंट को अपने कवर में डाला था और उसका मजाक बनाया था। अब इस इंसिडेंट की वजह से चार्ली हेब्डो के खिलाफ हेट स्पीच की इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, पर कई लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने चार्ली हेब्डो के साथ ऐसा नहीं किया था क्योंकि उन पर रिसेंटली एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। अब ये बात थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, पर सेक्युलरिज्म पर भी डिबेट है फ्रांस में कि पब्लिक स्पेसेस पर गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए कि लोग क्या पहनते हैं या क्या नहीं। जैसे एक स्टूडेंट ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि अगर ये बैन नहीं होता तो वो लड़कियां जो हेडस्कार्फ पहनती उनका मजाक बनाया जाता स्कूल में। और एक दूसरी सिटीजन ने ये कहा कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट न्यूट्रल होती है सारे रिलीजन्स के खिलाफ, ना कि सारे लोग एक जैसे ही दिखते हो। जो रहेगा अगर फ्रांस की गवर्नमेंट पूरी तरह रेगुलेट करेगी कि आप क्या पहन सकते हो स्टेट स्कूल्स में। अब फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेक्युलरिज्म की क्या डेफिनेशन है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी था ये समझने के लिए कि फ्रेंच गवर्नमेंट ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रही है। और हमें इंडिया से भी कंपैरिजन करते रहना चाहिए ये समझने के लिए कि क्या इंडिया में ये अप्लाई हो सकता है और क्यों नहीं। जैसे कई लोगों का मानना है कि इंडिया इतना डिवर्स है और हमारे देश में रिलीजन एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसा फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आना बहुत ही मुश्किल है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स एक स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या सेक्युलरिज्म क्यों नहीं लाना चाहती। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स कभी भी एक भी ब्लैक और वाइट लॉ नहीं चाहेंगी और एकदम ग्रे लॉ चाहेंगी। इसके दो फायदे हैं। पहला कि अगर आप एक ब्लैक एंड वाइट लॉ बना दोगे तो कोई भी जब लॉ के खिलाफ जाएगा
गवर्नमेंट को एक कदम उठाना ही होगा। और दूसरा कि जब भी एक लॉ ग्रे एरिया में फॉल करता है, कोई भी सरकार उसको मिसयूज कर सकती है अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कुछ सिटीजन्स हो या फिर दूसरे पॉलिटिशियंस। और इसी वजह से एक अनक्लियर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को हमारी गवर्नमेंट शायद ही कभी चेंज करेगी।